राजस्थानी साहित्य रामायण अध्याय नंबर 18 रो भाग दो आप पढ़ाला राजस्थानी छंद अलंकार रे बाबत काव्यशास्त्र रे टॉपिक रे मायने। प्यारे विद्यार्थियों, आप इन अध्याय रे मायने छंद किने केवे, छंदारो कई महत्व है, छंदारा किता भेद है, इन बाबत बात कराला और साथ ही बात कराला अलंकारा दी। अलंकार किने केवे, अलंकारा रा किता भेद वे और छंद और अलंकार रे मायने की छंद और की अलंकार अपने पाठ्यक्रम में शामिल करियोड़ा है। आपे बेणे बेणी परिभाषा भी पढ़ाला, बेणा दाखला भी पढ़ाला, बेणी पहचान किगर करनी उन बाबत भी बात कराला। चालो आपे छंद अलंकारा की बात करा। सहसु पहली है राजस्थानी छंद। छंद रो कई महत्व है, इन बारे में पे पढ़ला, पचे पे लगोलग अपन छंद की जानकारी होती जावेला। छंदा रे माई थोड़ा में गणो कहण री खिमता है। छंद रे माई ने थोड़ा शब्दा रे माई ने गणो कहण री यानी गहरो ज्ञान छिपियोड़ो वे, गहरी बात कहण री क्षमता वे, गूढ़ और गहरो अर्थ समझाउण री खेचल छंद करिया करे। संगीतात्मकता रो गुण होवन रे कारण छंदार मायने मोटो गुण है संगीतात्मकता, उन रो गुण होने के कारण सुनन में भी ये अच्छा लागे। गेयता रे कारण वातावरण ने सरस बनावे, छंदा ने गाया जावे गेयता रे कारण। गेयता रो गुण बतायो कि संगीतात्मक रो गुण। आ छंदा रे मिठास में मान को घड़ी भर आपरा दुखड़ा भूल ने सुकरी घड़िया ने चितारे। कई छंद हियेरा कौड़ा मीठा निर्मल भावा ने उजागर करण वास्ते बढ़ती जे। कई छंद तो हृदय रा कौड़ा मीठा निर्मल भावा ने उजागर करण वास्ते बढ़ती जे। माधुर्य प्रसाद गुणासु लबालब होवेड़ा छंदा रिमान के निगणी दरकार आई है, क्योंकि इन भाग दौड़ी भरी जिंदगी में आर्थिक और भौतिक जुगरो मिनक शांति चावे, इन अपरोगी दुनिया में अपना हित भी चावे। एक लो बैठो मिनक रेडियो टेप रिकॉर्डर सूँ एड़ा छंदा ने सुन र जीवन दी नीरस घड़िया ने कहीं बना देवे सरस बना देवे। आगे देखो, ओज गुण वाला वीर छंदा ने सुना तो आज ही उणियारा माते वीर भावा रो सेना ने देखिया बिना नी रेवे। छंदा में वह ताकत है, वो बूतो है के जीण रस रो छंद बोली जे। रस काव्य में किताबे, इन बाबत भी अपे अगले टॉपिक में इन बात कराला। तो जीण रस रो छंद बोली जे या उन रो पाठ वे पढ़ी जे उठे उन्हीं तरह रा भावा रो वातावरण बन जावे। राग रागिणिया रो आ छंदा सु गहरो जुड़ाव है। कई जकी संगीत री राग रागिणिया है, बहणो ए छंदा सु गहरो जुड़ाव है। ज्यों सोरठ राग है, मांड है, मल्हार राग है। ए छंद आपरे हेताड़ूरे हिये में हेत जगवण वाला है। आ छंदारी महिमा बखाण करा जीती थोड़ी है। अब देखो, आप छंदार भेद री बात करा। छंद राग कई भेद उपभेद मानी जे, पर मोटे रूप सु छंद दो ही तरह रा होवे। कितना तरह रा छंदा रा भेद कितना वे दो, ध्यान रख जो विद्यार्थियों। एक तो वे मात्रिक छंद और एक है वर्णिक छंद। छंद रचनावा की नियमा में बंदियोड़ी वे और अलग अलग नाम रा छंद बेण वास्ते मात्रावा और आखर निर्धारित करियोड़ा वे के इन छंद रे मायने इति मात्रावा वेला अटे तुक वेला और आखिर मायने तुक बंदी वेला नी वेला बे बाता इन मायने वे मात्रिक और वर्णिक। जिनमें मात्रा वारी गिनती करी जावे बटे मात्रिक छंद और जिन छंद में वर्णारी गिनती करी जावे बटे वर्णिक छंद। अभी विगतवार देखा मात्रिक छंद के बारे में, जिन छंद में मात्रा वारी गिनती कर छंद बनाई जे वो मात्रिक छंद है। जिन छंद में मात्रा वारी गिनती करन छंद बनाई जी वो मात्रिक छंद। मात्रा मारी गिनती सू छंद आरी ओलिया में यति गति
ले ने परोड़ता जी की रचना करी जे। देखो मात्रा वाली गिनती तो है जे, हर एक छंद रो नियम है कि फला छंद रे मायने इति मात्रा मा वेला, इता इता माते यति वेला, इन तरीके। तो उन मायने यति गति ले ने परोड़ता जी की रचना करी जे वो मात्रिक छंद मान लीजिए। मात्रिक छंदारा उदाहरण देखो, दूहो मात्रिक छंद है, चौपाई मात्रिक छंद है, रोड़ा मात्रिक छंद है, उलाला मात्रिक छंद है, छप्पे मात्रिक छंद है, गीत गीतिका मात्रिक छंद है, हरि गीतिका मात्रिक छंद है, और भी कई मात्रिक छंद है। अपन के उदाहरण स्वरूप पेश कर दिया है, इन मायने मात्रा वाली गिनती हुए ध्यान रख जो बेटा। और अब मात्रिक और वर्णिक दोनों छंदारा जो तीन रूप है आप पढ़ा ला आगे रे पाठ मायने पे पढ़ता जावा ध्यानपूर्वक देखता रही जो। जिड़ में वर्णारी गिनती रे मुजब यति गति बढ़ती जे और मात्रा वाले आधार माते काव्य रची जे और काव्य रो सृजन करी जे उनने वर्णिक छंद कहवे। ध्यान रख जो बेटा, दूसरो भेद है छंद रो वर्णिक यानी जिनमें वर्णारी गिनती करी जे। और कई छंद वेज का गणबद्ध भी वेर मुक्तक भी वे वहाँ भी आप बात कराला। अब देखो वर्णिक छंद में एक तो भुजंगी, भुजंग पर्यात, त्रोटक, शवैया, कवित, ए है वे वर्णिक छंदारा उदाहरण है। यानी ए छंदा में वर्णारी गिनती वे वर्णारा नियम वे आ दोनों तरह रा छंदा में ही वारे चरणारी मात्रावा और वर्णारी गिनती मुजब तीन भेद करीजिया है। अब देखो ए तीन भेद खिसा खिसा है दोनों रामायण हाँ दोनों यानी वर्णिक छंद और मात्रिक छंद दोनों री मात्रामा और वर्णारी गिनती रे मुजब तीन भेद बखानी जी। किसा किसा देखो, एक तो है सम छंद। सम छंद मतलब दोनों रे वास्ते है। अगर अपे मात्रिक री बात करा तो सम मात्रिक और अपे वर्णिक री बात करा तो सम वर्णिक। तो पहलो दोनों रामायण पहलो है जो को देखो सम छंद की नहीं कहवे जिन में छंदा रे चरणा में मात्रावा या वर्णारी गिनती बराबर होवे एक समान मात्रावा या वर्णारी गिनती वाला छंदा ने सम छंद कहवे। मान लो चार चरण रो छंद है तो पहले चरण और एक नंबर चरण और दो नंबर और तीन नंबर और ओ चार नंबर चरण। अब अभी बात आपने समझनी जरूरी है कि विषम चरण तो है ए एक नंबर और तीन नंबर विषम और ए जो चरण है ए सम चरण बाजे। अब वापस पढ़ो जिन में छंदा ने चरणा में मात्रा में या वर्णा की गिनती बरोबर हुए यानी एक दो तीन चार चरण मान लो छंद है और वर्ण मायने चारा ने मायने मात्रा वाली गिनती चाहे एक इन मायने ग्यारह है इमें ग्यारह है इमें ग्यारह है इमें ग्यारह है तो चारों चरणा में मात्रा वा या वर्ण वर्णिक है तो वर्ण वर्णिक सम मात्रिक है तो मात्रिक सम। अगर चारा ने मायने या जगछंद में जीता भी चरण सब में मात्राओं बराबर है तो बटे सम मात्रिक चरण छंद या सम वर्णिक छंद बाजिया करे। जहाँ चौपाई सम छंद है अगलो भेद है विषम छंद। दोनों रामायण बात कर रही विषम मात्रिक और विषम वर्णिक जिन में छंदा रे चरणा री मात्रा या वर्ण न्यारा न्यारा या वर्णा रे संख्या न्यारी न्यारी होवे एक समान नहीं होवे वो विषम छंद बाजे। छप्पे कुंडलियों विषम छंद है चार चरणा रो छंद है। आगे इस बात दोहरा रही हूँ मैं ध्यान रख दो वो एक नंबर चरण वो दो नंबर वो तीन नंबर और वो चार नंबर। वापस पढ़ो जिन छंदा ने चरणा री मात्रा या वर्ण वो छंद वर्णिक भी है या मात्रिक है जीव समझ लो। मान लो पहले चरण में 11 मात्रा है दूसरे चरण में 14 है तीसरे रामायण मान लो 12 है और इन मायन मान लो 15 है तो चारों चरणा रामायने मात्रा वहाँ अलग अलग हुई कि नहीं हुई या चारों चरणा रामायने
11 वर्ण है, 14 वर्ण है, 12 वर्ण है या 15 वर्ण अगर वर्णिक छंद है, तो इन मायने वर्णारी या मात्रावारी संख्या अलग हुई कि नहीं हुई? हुई। तो इन वास्ते ओ विषम मात्रिक या विषम वर्णिक छंद बाजे। आगे देखो अर्धसम छंद। अब वापस मैं समझाऊंगा, आ छंदा में पहला या तीजा दूजा और चौथा चरणारी मात्रा वहां या वर्ण दोनों वास्ते बात हो रही है, मात्रिक छंद और वर्णिक में समानता होवे दो अर्धसम मात्रिक छंद है। देखो उदाहरण आर्य टाल कई गणबद्ध छंद भी है। पहली मैं समझा दूं अर्धसम की निके हुए, मान लो चार चरण रो ओ एक छंद है, दूहो मान लो दूहो छंद है। अब इनो एक नंबर चरण, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर कई कहे आ छंदा में पहला और तीजो, पहलो तीजो, दूजो और चौथो, दूसरो और चौथो, ए चरणा में मात्रावा अगर मात्रिक है तो मात्रावा और वर्णिक है तो वर्णिक बराबर वे इन मायने और इन मायने बराबर मात्रावा या वर्ण वे इन मायने और इन मायने बराबर मात्रावा या वर्ण वे यानी ए ग्रुप में बांटीज गया ए दोनों जो ग्रुप है इन ग्रुप में बराबर इन ग्रुप में। मान लो दूहे चंद्रिय पे विशेषता देखा तो दूहे रे पहले चरण में 13 मात्रा, दूसरे में 11, तीसरे में 13 और चौथे में 11 मात्रा हुए। तो दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा हुई, पहले और तीसरे में 13-13 मात्रा हुई, यानी दो चरणा में पहले तीसरे में विषम और सम री बात करीजिए तो बराबर हुए तो बटे अर्धसम मात्रिक या अर्धसम वर्णिक छंद गिने जा करे। आगे देखो आने टाल कई गणबद्ध भी छंद वे, एने टाल कई गणबद्ध छंद भी हुआ करे जिनमें की नियम वे के फला छंद रे मायने इता वर्ण वेला और वर्णारो जो को क्रम है वो इन तरीकों वेला इन गण रे हिसाब वेला। अब अपन इन वास्ते गणा ने समझनो जरूरी है, गण की निके वे गण छंदा रे मायने आठ हुआ करे, किता हुआ करे बेटा आठ गण होया करे, आठ किसा किसा गण। अब मात्राओं की गिनती की करवे सब पहली तो अपन वो जान ला, मात्राओं दो तरह की, एक तो बड़ी एक छोटी, बड़ी ने कहवे गुरु और छोटी ने कहवे लघु, बड़ी मात्रा ने कहवे गुरु और छोटी मात्रा ने कहवे लघु। आप देखा बड़ी मात्रा रो सिंबल तो है ओ और छोटी मात्रा रो सिंबल है ओ, निशान है ना मात्रा में गिनती रहा। इन्हें कहवे गुरु और इन्हें कहवे लघु। इन सिंबल रो मतलब है दो मात्रा बराबर दो मात्रा या वर्ण और इनो मतलब है एक। जद कोई अपे उदाहरण दियोड़ो वे छंद वे वो तो मात्रा रे नीचे ए लगाई और चेक करा। अबे गण कहीं वे अपे बात कर ला, ध्यान रख जो बेटा गुरु गुरु और लघु ए सिंबल है, इनो मतलब दो मात्रा, इनो मतलब एक मात्रा। कई गणबद्ध छंद वे तो साहित्य रे मायने काव्य शास्त्र रे मायने आठ गण हुआ करे, कितना गण हुआ करे बेटा आठ गण हुआ करे। गणा रो क्रम गणा ने की करे पहचान करा, गण की ने कहवे इन बाबत में एक आपने सूत्र बताऊं बुन ध्यान में रख जो कि गण की करे पहचान कर सका। ये मा ता रा ज बा न स ल और गा। ये माता राज बान सल ग।
अब मैं चूंकि आपने बताया हो कि इन मायने एक मात्रा है, तो ओ इनो मतलब ओ सिंबल है गुरु लघु रो ओ गुरु रो, ता मतलब दो मात्रा है गुरु, रारो मतलब दो मात्रा गुरु, जयरो मतलब एक मात्रा ज, भारो मतलब एक मात्रा गुरु, नैरो मतलब एक मात्रा लघु, इन एक मात्रा लघु लघु और गुरु। अब गण वे ये गण म गण त गण र गण ज गण ब गण न गण और सगण। देखो ये गण म गण त गण र गण ज गण भ गण न गण और सगण, कितना हुआ? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ गण हुआ। कितना गण हुआ बेटा? आठ गण हुआ। अब एक गण में वो तीन रो क्रम हुए, ये माता, इन ये गण में देखो लघु गुरु गुरु, यानी लघु गुरु गुरु। अब मैं गण में, यह गण में मात्रा एक दो दो, यानी लघु गुरु गुरु। दूसरो गण है मैं गण मा ता रा गुरु गुरु गुरु। तीसरो गण है तय गण ता रा ज गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु। रा ज भा ज गण, रे गण की बात कर ली, रे गण में गुरु लघु गुरु, रे गण में गुरु लघु गुरु। जबान जबान लघु गुरु लघु। भा न स बे गण में भा गुरु लघु लघु। अब न गण है नसल लघु लघु लघु। स गण में होगो देखो स ल गा स लघु 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 गुरु, ओ सिंबल है स गण रो। इन तरीके वो गणा रो सूत्र है गण आठ वे, ये गण म गण त गण र गण ज गण व गण और न गण स गण। और ये गण में मतलब मात्रावा रुक्रम कई हुए लघु गुरु गुरु, म गण गुरु गुरु गुरु, त गण गुरु गुरु लघु, र गण गुरु लघु गुरु, ज गण गुरु लघु गुरु लघु, भ गण रो गुरु लघु लघु, न गण रो मतलब है लघु लघु लघु, स गण रो मतलब है मात्रा वा मतलब लघु लघु गुरु। इन तरीके ओ बताई जियो है के ओ जो भगण मगण वाली बात है, आरे टाल कई गणबद्ध छंद भगण मगण और कई मुक्तक छंद भी वे, और साधारण छंद दंडक छंद रे रूप में ही ओळखी जाए। अब साधारण छंद तो सामान्य छंद है, दंडक छंद किन कहवे? दंडक छंद उन्हें कहवे जिन मायने पहले चरण रे मायने 27 या 27 सु ज्यादा मात्रा में वे, तो बटे दंडक छंद वो बाज्या करे। जद छंदा री गहराई सु व्याख्या करा
तो ए रूप ही साम्य आवे, पर मूल रूप में छंदारा दो ही भेद है। मूल रूप में छंदारा कितना भेद है, जो आप पहले पढ़ता आ रहा है, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। अब मात्रिक और वर्णिक में भी सम, अर्धसम, विषम, मात्रिक और वर्णिक, और कई गणबद्ध है जबकि गणारी पहचान आप अट कर ली, गणारी पहचान आप अट कर चुके हाँ, तो इन्हें बात ने भी ध्यान रख जो। आगे देखो, छंदार एक सारणी रूप प्रमाण समझायड़ो है मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक में भी बात करी थी सम छंद, अर्धसम, विषम। सम सब चरणार में समान मात्रा में, अर्धसम दो चरणार मायने पहले तीजे दूसरे चौथे, यानी सम और विषम चरणार मायने बराबर बराबर मात्रा में। विषम यानी सब चरणार मायने एक जड़ीज मात्रा में नी वे, सब में अलग अलग वे। अब सम छंद में साधारण छंद भी वे, दंडक दंडक में मैं बताई जो कि 27 मात्रा में या उनसे ज्यादा पहले चरण रमान, कौन से में पहले चरण रमान छंद रे, पहले चरण रमान इतनी मात्रा में या इनसे ज्यादा वे बटे बोकियो छंद बाजे, दंडक छंद बाजे। आगे देखो, अबे वो वर्णिक वर्णारी गिनती, वो भी गणबद्ध और मुक्तक, जिन मायने जिन छंद रे नियमा में गणारो कोई क्रम वे, गण आठ वे में बतायो छो आपने पहली, जिनमें के एक छंद रे मायने दो रगण और एक सगण और एक नगण रो क्रम होनो चाहिए, तो उन मायने बे मात्रा में उन हिसाबों गुरु लघु लघु गुरु जकी भी उन क्रम में गण रे हिसाबों आवो, और मुक्तक जिनमें गण मुक्त कहे उनमें गणारो बंधन नहीं वे, हालांकि वर्णारो तो बंधन वे ही है, वर्णारी गिनती तो निश्चित वे ही है, पर वर्णारी गिनती में भी वो जो गणा वालो है वो बंधन नहीं वे, वो मुक्तक वे। अब इनमायने भी ये तीन तरह का समवर्णिक छंद, अर्धसमवर्णिक और विषम वर्णिक। अब सम में साधारण और दंडक वोइज, इनमें 27 वर्ण वे, इन तरीके छंदारा भेद उपभेद करीजिया है। राजस्थानी साहित्य में गीत छंदारी आप निन्यारी बान की देखने ने मिले, छंद शास्त्र ग्रंथा में गीता रिन्यारी न्यारी गिनती राधाखड़ा मिले, रघुनाथ रूपक में 91 गीत छंदारा दाखड़ा दीवड़ा। ध्यान राज बेटा, रघुनाथ रूपक गीता रो छंद है, उन मायने किता बांतरा छंद गीत 91 बांतरा गीत छंद। पाठ्यक्रम सारू तय करियोड़ी की छंदारी परिभाषा वाटे दाखला समेत धीरे जी है उन पे पढ़ ला। पहलो है वेणियो वेलियो साणोर छंद है, इना कई पहचान है, कई लक्षण, कई विशेषतावां है। देखो, डिंगल काव्य में बरती जन वाला गणकरा मात्रिक छंदा में साणोर रा कई भेद रूप भेद है, इन मायने गिनती कहनी वे मात्रिक छंद मात्रा मारी। तो वेलियो गीत नाम रो एक छंद है, उन मायने कई तरह का भेद है, इन रा लक्षण इन भांत बताई जिया है कि चार भेद तीन रा चवे किना वेलियर कवियन बण ओ खूब समझ वेलियो सोहनो पुड़द जांगड़ो खूब, ए चार भेद है वेलियर। इन रे स्वरूप री व्याख्या यूं करिए, सोले कला विषम पद साजे, सम पद पंद्रह कला समाजे, धुर 18 मोहरा गुरु लघुधर, कहजे मंच वेलियो इमकार। यानी वेलियो छंद रे विषम पदा में 16 और सम पदा में 15 मात्रा में वे, सुरात्रा चार चरण है, एक दो तीन चार। अब कहीं बतायो है विषम पदा में 16, विषम रो मतलब एक और तीन, इनमें भी 16 मात्राओं इनमें भी, और समरे मायने कितनी मात्राओं 15 और 15, ए दोनों विषम। आगे देखो, और कहीं वे पण कटई कटई पहले चरण में पहला दाड़ा, और कटई कटई केवल ओ चरण पहलो चरण उन चंद्रो, उन मायने कितनी मात्राओं आई जावे 18 मात्राओं पहले चरण में आ जावे, 18 मात्राओं में ही बढ़ती जाए। कटे कटे री बात करीजिए, हमेशा नहीं,
और तुकांत में जटे तुकांत है तुक अंत वे बटे आखिर में मायने मैं लघु गुरु रा सिंबल बताया के गुरु लघु आणो छे जे आखिर में मायने कई आणो छे जे जटे तुकबंदी वे बटे गुरु लघु आणो छे जे गुरु लघु मात्रा रो क्रम आणो छे जे पिंगल शास्त्र में इनरे अर्ध सम मात्रिक छंद के पिंगल शास्त्र में इन्हें कहीं कहवे अर्ध सम 16 16 15 15 आदि और आदि बराबर बराबर मात्रा वाला। बीकानेर महाराज पृथ्वीराज राठौर रचित वेली किशन रुक्मणी री रचना वेली छंद में करी जी। वेली किशन रुक्मणी री रचना पृथ्वीराज राठौर रिया कौन से छंद में? वेली छंद में। वेली छंद का दाखलो देखो सरस्वती कंठी श्री गृहमुखी शोभा भावी मुगति ती करी भुगति उवरी ज्ञान हरि भगति आत्मा जपे वेलियो त्या ए जुगति। और वेली किशन रुक्मणी रो वेली छंद रो उदाहरण है दाखलो है। और इन मात्राओं में लघु गुरु री बतायो बुने साबू देख लीजो। दिल अंतर अह विचार दशरथ धर पदवी जो राज सदीर सो देणी विश्वाही विषय राज भोग दिशे रघुवीर रघुनाथ रूपक गीता रेसू वो उदाहरण है। अब गीत छंद त्रिबंकड़ो कौन सो छंद? त्रिबंकड़ो छंद। इन्हें कई लक्षण है पहचान है राजस्थानी रो चावो छंद है। इन रे विषम चरणा में 16 16 मात्राओं और दूजे ने चौथे ऋतुक मिले। विषम चरणा रे मायने कितनी कितनी मात्रा में? वो चार चरण है मान लो तो विषम एक और तीन इन मायने कितनी कितनी मात्रा में? 16 16 मात्रा में वे यानी वो मात्रिक छंद है। और दूजे और चौथे दूसरो और चौथो इनकी जो तुक है आ पण मिले। ए त्रिबंकड़े गीत रा लक्षण है। कवि कहवे के छोटा साणो रे जूं विषम पद राग ने जिन में 16 मात्रा में होवे दूजा और चौथा रीतुक मिलावे रघुनाथ रूपक में कवि मंचाराम इन भात वर्णाऊ करीजियो है। इनो लक्षण बताया देखो चरण विषम साणोर लघुचा चरण विषम साणोर लघुचा दुए चतुर पद मोहरा दाखे दुए चतुर पद मोहरा दाखो कहे मंच कर गीत त्रिबंकड़ो भला जिकण में प्रभु गुण भाको। इन गीत में गोड़ो दामो ई कहवे इन गीत छंद ने दूसरो नाम कहीं है गोड़ादमो। त्रिबंकड़ो गीत छंदरा दाखला इन बात है देखो त्रिबंकड़ गीत छंदरा अंगद मेलियो सद दूत अपंपर वल अकला मजबूत वढ़ाड़ो वप सिणगार धूत खड़ बेटो रचे सभा औ दूत रढ़ाड़ो मुणे झाई हरि मेल मोनू जड़ तोनू आगूच जताओ शीश नमाए सियले साते वचसी जदा उपाऊ बताओ। देखो एना तुक मिले कि नहीं मिले जताऊँ बताऊँ एक तो सामी आई गयो और बाकी ए जो मात्रावा है 16 16 16 ए 16 एन मायने 16 16 मात्रावा है। आगे देखो कुंडलियो छंद आई गयो पाना ओ मात्रिक छंद है। इनो लक्षण पहलो कहीं ओ भी मात्रिक छंद इनमें भी मात्रा वाली गिनती हुए और पहली एक दूहे और पच्चे चौबीस चौबीस मात्रा वाला चार चरण में पूरो वे पहली तो एक दूहे रे रूप में दो दो छंदा ने मिला दूहो पहली और दूहो है इनमें 13 11 13 11 मात्रावा और पच्चे 24 24 मात्रावा रचरणा में पूरो वे जिको रोड़ो छंद है 24 24 मात्रा वाला छंद यानी दो छंदों मिलन कुंडलियों बने ध्यान रख जो बेटा एक तो दूहो और एक अगलो है रोड़ो छंद ये दो छंदा रे मेल सू किसो छंद बने कुंडलियों बने। चौथो और पांचवा पद में सिंहावलोकन वे चौथे और पांचवे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 अब आ चौथे पदरे मायने जकी बात आयोड़ी है आखिर में आ पांच वेरे शुरुआत में
आवेल आप देख ला उदाहरण में, और जो शुरुआती जो आखर है बे छंद जद पूर्व वेला बटे भी पाचा रिपीट वेला पुनरावर्ति वेला। आगे देखो, रघुनाथ रूपकार कुंडलिया चंद्रा लक्षण नी लिखिया पर ग्रंथा में जिका कुंडलिया आया है उनारा लक्षण लिखिया है, उना जड़ उलट राजवट शुद्र दोहाल कुंडलिया रा दाखला देवता थका इन रा चार रूप थे। कुंडलिया रा कितना चार रूप बताया, एक दो तीन और चार। कुंडलिया रा अलग अलग उपभेद है, चार प्रकार रा कुंडलिया। अटे भगत शुद्ध कुंडलिया रा लक्षण अर्धाक ले रिवानगी दी जावे। अपने अपने जो उदाहरण में है वो शुद्ध कुंडलिया रे रूप में पढ़ाला। जीव उधारे जगतरा किता सुधारे काम भार उतारे भूमरो धनी पदारे धाम धनी पदारे धाम सुजस खाटे जग सारे राज कियो बड़ रीत गिणे वृक्ष सैंस ग्यारे रहया जित रघु राव धर्म मर्जादा धारे आप पधारत ओक अवधपुर जीव उदार। देखो मैं सिंहावलोकन की बात करी के चौथे और पांचवे और एक नंबर चरण दो तीन और चौथो चौथे और पांचवे में सिंहावलोकन में देखो हगिज जो पंक्ति है आ अटाई है और जो छंद रे सुरूर मायने जो आखर आवे शब्द आवे वे उन छंद रे आखिर रे मायने भी पाचावे। जीव उधारे जीव उधारे कुंडली रे मायने पहलो दूहो छंद और दूसरो रोड़े छंद रे रूप में दुहेरी पहचान है तेरा ग्यारह तेरा ग्यारह गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु 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 गुरु एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह गुरु लघु गुरु लघु गुरु 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 लघु तेरह मात्राओं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह मात्राओं। इन्हीं तरीके ए मात्रा वाली गिनती जो दियोड़ा है इन लक्षण उन आधार मात्र पे कर सका। सिंबल ए है कृष्ण आडाकृत रघुवर जस प्रकाश में कुंडली येरी व्याख्या इनवांत करी थी कि पहला दू एक पूर्ण आध अंत तुल जो आध अंत यानी जो पहलो है वो आखिर चरण मान बतायो मैं जीव उधारे बतायो पलटे धुर पूठा कवित तव कुंडली होते धुर पलट जावे चौथे रामायण और पांचवे रामायण सिंहावलोकन जो मैं बतायो। कुंडली दाखलो देखो जपे रसन रघुवर जी के अधपतियां कपे अमान जन्म मरण सुधरे जी का जे बड़बागी जान जे बड़बागी जान लाभ तन पाया ला दे। वो देखो सिंहावलोकन हुयो जपे शुरुआत योड़ो छंद आखिर में भी कहीं है जपे है तो त्याग जिग किया तमाम काम सुकृत ज्या खीदो वहाँ वृत्त किया अनेक हिरण दे दे विप्राहत ज्या सदिया अट जोग त्या किया कोटक तीर्थ धन मात पिता जिन वसदर कलुक तिका दर्शन कटे कवि किसन कहे धन नर तिके रसन रघुवर जपे। और रघुनाथ रूपक गीता रे सू उदाहरण लियोड़ो है तो पहलो दूहो और अगलो रोड़ो। अब इनवाने भी मात्रा वाली संख्या आप देख सका एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह दूहेरा ये भी लक्षण है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह यानी सिंबल नु भी आप पहचान कर सका एने लगान आपन आसानी रहे मात्रा में गिणन में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ग्यारह इन्हें भी आप साथ साथ देख लें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह
और कुंडली रो जो उदाहरण है वो भी याद कर लीजो। छप्पे छंद आएगो आगे, वो एक विषम मात्रिक छंद है। वो कैडो छंद है तो मात्रिक, इन मायने जका चरण है वे वेणी जकी मात्रा मारी गिनती है विषम है, सबरी अलग अलग है। रोड़ा और उला लारे मेल सु छप्पे बने, दो छंदारे मेल सु छप्पे बने, किसों एक तो रोड़ा और एक उलाला। उलाला में कट्टी 26 तो कट्टी 80 मात्रा में वे उला लारे माय छप्पे में आ दोनों छंदारू मेल होवन के कारण अटे रोड़ा और उला लारे गुणा बाबत व्याख्या देवनी ठीक रहसी, क्यों छप्पे छंद में दो छंदारू मेल है किसों रोड़ा और उलाला। इन वास्ते रोड़ा और उलाला की पहचान करनी भी जरूरी है। पहली रोड़ा देखो, ओ मात्रिक सम छंद है। वो कैडो छंद है मात्रिक सम, यानी इन्हें सब चरणारी मात्रा में बराबर हुए रोड़े। इन रात चार चरण होवे, हरेक में कितनी कितनी मात्रा में हुए 24 24, हरेक चरण में 24 24 मात्रा में। यति 11 और 13 माते हुए, यति मतलब ठहराओ रुकनो। रघुनाथ रूपक रे परिशिष्ट में रोड़ा छंद री व्याख्या यूं करीजी, किकर करीजिए कि रोड़ा छंद सु नाम नागपति पिंगल राख्यो, तुक तुक माहे चतुर कड़ा चौ विसंगति भाक्यो, हिक दस पर विश्राम सर्व जन चिंता हरणु, भणु सदा इम सकल विमल कवि कंठा भरणु। उलालन देखो, इन रा विषम चरणा में 15, असम चरणा में 13 मात्रा हो गए। विषम चरणा में 15, और सम चरणा रामायण कितनी मात्रा में 13। किसना आडा उलाला छंद्रा 5 भेद बताया है। उलाला कितना बाद भेद बताया, ध्यान रख दो बेटा, रस उलाला, श्याम उलाला, छप्पे उलाला, वरंग उलाला और काम उलाला। रस उलाला तित तेर मत 26 सम पद श्याम, श्यामक रस दुहा सहित मुणते छपे नाम, उल्टो रस उलाला उण आख वरंग उलाल, दाक त्रिदस फिर पंचदस तुक विहुंबे पड़ताल। इन तरीके है उलालारा लक्षण है, अर्थात 15 और 13 मात्राओं वालों रस उलाला, 15 और 13 मात्राओं वालों रस उलाला और 13 13 मात्राओं वालों श्याम उलाला, 13 11 मात्राओं वालों 13 11 वालों छप्पे उलाला और 13 15 मात्राओं वालों 13 15 वालों वरंग उलाला और 15 15 मात्राओं वालों काम उलाला। वे आप बात करी थी उलाला रा 5 भेद बताई जी, हाँ उन माने सबरी पहचान आ है। रघुनाथ रूपकर आपरा ग्रंथ में उलाला री व्याख्या इन बात करे, उलाला छंद बसु दोई कल वीरति पंच दस ऊपरा, धर दोई दोई इक तीन, धर दोई दोई इक तीन, दुव दोई इक दुव धूपरा, कल तेरे दोहा सम सदा खट दो दो इक दोई कर, ओ नीम छोड़ पिंगल कहे आखर पण एक ने उचर। रघुनाथ रूपक रे परिशिष्ट में छप्पे छंद री व्याख्या इन बात करी जी, छप्पे रे बाबत कहीं बताई जो देखो, काव्य छंद सारो कहर अंत उलालो आद, छप्पे नामक छंद जो गिण प्रस्तार अगाद, कोई कोई भाका कवि करे रोड़ा पर उलाला, तिण नूपण छप्पे तणे चंडा लिया आ चाल। इन बात रोड़ा और उलाला में मेल सु बनन वालो छप्पे छंद बाजे, जिको विषम मात्रिक छंद है। इनमें 4 पद रोड़ा और आखिरी 2 पद उलाला रहा होवे, वो एक दंडक छंद ही है। ओ किसो दंडक बतायो जी मैं, छप्पे छंद रो दाखलो जिनमें हनुमान जी सरस्वती और गुरु री वंदना करीजिए। देखो छप्पे छंद रो उदाहरण देख लो,
बंदन वीर बजरंग किशबर मंगलकारी समर मात सरस्वती विमल कविता विस्तारी सदगुण प्रमण किशोर सचिव अमरेश सवाई करे पिता जीमति कृपा तिकण गुण समझ बताई मोमत प्रमाण कवि मंच खह सुकवि बाण ग्रंथाव सुन रस गाता गीत पिंगल रचे गहर कहूँ रघुनाथ गुण। अलंकार आई गोबे अपे छंदा रे बाबत जानकारी ले ली कि छंदा रा दाखला कि छंदा री परिभाषा लक्षण भी देखिया अलंकार बाबत भी बात कर ला। संस्कृत साहित्य में अलंकार शब्द री व्युत्पत्ति और काव्य में इनके प्रयोग माते विचार करीजियो उन्हीं भात राजस्थानी में ही अलंकार रा प्रयोग ने अंगेजियो। अलंकार संप्रदाय रा प्रवर्तक भाम काव्य रा फूट रा वास्ते अलंकार रा प्रयोग ने माने इन्हीं भात संस्कृत रा दूजा विद्वान ज्यों के आचार्य वामन दुर्रट रुद्रट मम्मट दंदी और उद्भट ये काव्य में अलंकार और महत्वपूर्ण ने बतावे। अलंकारी परिभाषा देख लो काव्य की शोभा बढ़ाने वाला गुण धर्म ने साहित्य में अलंकार कही चे काव्य की शोभा बढ़ाने वाला गुण धर्म ने अलंकार कही चे जिन भात उदाहरण समझाने की कोशिश करी अलंकार अलंकार मतलब श्रृंगार है बनाव है जिन भात गहना गांठा पेरियोड़ी लुगई फूटरी लागे उनरो रूप सवाई होवे उन्हीं भात काव्य में सोने जेड़ा आकरासू कविता री बानगी रूपाली लागे उनमें एक चमत्कार आकर्षण आए जावे अलंकार रे प्रयोग सु। अलंकार यानी कोई आदमी या लुगई लुगई गहनो गांटो पहर ले बढ़िया कपड़ा पहर लेवे तो उनरे सौंदर्य रमाइने और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जावे। इन्हीं तरीके काव्य रमाइने अलंकार रे प्रयोग सु काव्य रे सौंदर्य में बढ़ोतरी हो जावे। काव्य में अलंकार और प्रयोग करण खातर भाषा विज्ञान रा विद्वान शब्द ध्वनि रस और वर्णा रे रूपाले मेल सु काव्य ने संवरण री जुगत करी जिन बात गहना घंटार पैरवा सु सामाजिक स्तर जातिगत छाप निजर आ जावे के वे फलानी जात्री है जेड़ा गहना घाटा और पैरवा सुटा पड़ जाए उन्हीं भात काव्य शास्त्र आचार्य ने विचार में ही काव्य अलंकार नारी परिभाषा में दे दीजिए है। काव्य में अलंकार रे प्रयोग बाबत कवि री भूमिका घनी महत्व है। अलंकार सु आपरे विचारा भावा ने छंद रूपी रीत में ढाल तो कवि सृजन आपरी जी की सर्जना है उन्हें कल्पना सू नवो रूप दे परो भावा ने किन ढाले राख सके उन असरदार भावा री खिमता अलंकार रे सू आवे। भावा री गहराई ध्यान राखजो बेटा अलंकार भावा री गहराई कोरनी सू परोटियोड़ी झीणी भाव तरंगा उपमा उत्प्रेक्षा रूपक प्रतीका अर नुआ बिंबारी जड़ऊ गड़त सु कविता ने शिणगारी जे ओ काव्य पाठका ने घणो ही रलियाणो चोखो मन मोहणो असरदार लागे। राजस्थानी रा रीति ग्रंथ राजस्थानी रो जो को रीति ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि नाम रो ध्यान राजू राजस्थानी रो रीति ग्रंथ कई है पिंगल शिरोमणि। मैं अलंकार रो वर्णन करीजियो है इंद्रे टाल दूजा ग्रंथा में ही या कोई रचना या काव्य विशेष रे ओला वे ही अलंकार परंपरा री रचना नी रे बरोबर करीजी है। राजस्थानी रो एक निकेवलो अलंकार है वैण सगई जिनमें वर्णारो सम वैण रो मतलब वर्ण सगई रो मतलब संबंध वर्णारो एड़ो संबंध वे एक जेड़ा वर्ण बार बार या वैण सगई रा तीन रूप हुआ करे तीन भेद हुआ करे आदि मेल मध्य मेल और अंत मेल। तो जटे राजस्थानी में एक है के जटे वैण सगई अलंकार रो जिन काव्य में प्रयोग हो जावे बट काव्य रा दोष है वे भी स्वतः खत्म हो जावे। तो वैण सगई काव्य री शोभा बदावे ला ला सगला अर्थ अलंकार शब्द अलंकार संस्कृत साहित्य वाला राजस्थानी में परोटी जे संस्कृत रा जिता भी अलंकार है अलंकार दो भेद है एक तो अर्थ अलंकार और एक शब्द अलंकार। जके काव्य में रे अर्थ में चमत्कार वे वो अर्थालंकार और जबकि काव्य रे शब्दा में चमत्कार वे वो शब्दालंकार। तो संस्कृत वाला भी अपन राजस्थानी में परोटी जे काव्य में अर्थ सू फूट रापो चमत्कार दिखे तो अर्थालंकार काव्य में अर्थ सू चमत्कार या फूट रापो दिखे तो कैडो अलंकार अर्थ यानी काव्य अलंकार रा दो भेद है जो उपमा अर्थालंकार रूपक उत्प्रेक्षा भ्रांतिमेन अतिशयोक्ति अन्योक्ति व्याज स्तुति ए अर्थ अलंकार रा उदाहरण है।
जिन काव्य में शब्दा ने सजोर रूप सू सरस या अनोखा रूप सू परोटी जन में काव्य रामायण एक चमत्कार शब्दा की बात करी जा रही है। आप अर्थ की बात करिए, अर्थ वाला भी उदाहरण देखिए, शब्दा ने अनोखे रूप सू परोटन में काव्य चमत्कार प्रकटी जे उठे शब्द अलंकार मान्या जावे। अलंकार दो भेद, शब्द अलंकार अर्थ अलंकार, शब्द में चमत्कार शब्द अलंकार, अर्थ में चमत्कार अर्थ अलंकार। वर्ण सगई वर्णारो संबंध अनुप्रास अर उनरा भेद यमक अलु सलेस वक्रोक्ति आदि शब्द अलंकार पांत में आवे। अटे की अलंकार की परिभाषा और दाखला भी दिया जावे, जो अपे सेंसु पहली अनुप्रास अलंकार रूप में पढ़ाला। अनुप्रास अलंकार ने पे पढ़ा। काव्य अलंकार में आचार्य भामट लिखे के एक रूप रा वर्णारो विन्यास ही अनुप्रास है। एक जड़ा वर्णारो विन्यास कहीं है अनुप्रास है। आचार्य उद्भट और दूजा विद्वान एक जड़ी उक्ति वोवण और शब्दा री नेड़ी नेड़ी आवृत्ति एक शब्द रह रहे ने आए या दो बार या दो सू घनी बार उन्हीं काव्य में परोटी जे उठे अनुप्रास। कोई भी काव्य में एक जड़ा वर्ण है वे बार बार आवर्त वे बार बार आवे बटे अनुप्रास अलंकार वे। अनुप्रास रख के ही भेद और उपभेद भी करी जिया गया है। देखो आप पहलो भेद है छेक अनुप्रास। अनुप्रास को मतलब है वर्णा या आखरारी बार बार आवर्ति होनो। तो भेद और उपभेद में आप बात करा वर्ण और आखर के बारे में भी बात वेला। छेकानुप्रास इनमें वर्ण या वर्ण समूह दो बार बार बढ़ती जे या तो कोई एक वर्ण या कोई एक वर्ण रो समूह एक सू दो बार इन रो औदाकलो हरिरस सू लीरिज्यो है। ध्यान रख जो छेकानुप्रास अनुप्रास रो उपभेद है छेकानुप्रास। इनमें कोई भी एक आखर या आखरा रो समूह एक के अलावा दूसरी बार बढ़ती जे इनमें वो दाखलो हरिरस रो है। देखो महागज ग्रा छुड़ावंत मंत सनातन पालक केवल संत मैं वर्ण और मैं दो बार आया स स त त ल और ल यानी दो बार ही जाया हो ज्यादा बार नहीं आया। आप छेकानुप्रास ने पढ़ रहे हैं वर्णारी आवृत्ति दो ही बार होवन सू और छेकानुप्रास है। वर्ण वर्णारी आवृत्ति की बात कर लीजिए। अठे वैण सगई भी है, वैण सगई भी दिख रही है। महागज मंत सनातन संत मुकंद मुख संसार सुख वैण सगई अलंकार भी है। वैण सगई में अनुप्रास जो वर्णा रोमेल भी देखे जे वैण सगई भी रवि तीन भेद वे। अगलो है अनुप्रास रो भेद है वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास में काव्य में कोई वर्ण या वर्ण समूह तीन या उनसू गणी बार बढ़ती जे। आप देखो छेकानुप्रास रे मायने वर्ण या वर्ण रो समूह दो ही बार ही जावे, एक बार आएगा दोबारा वर्गा। और वृत्यानुप्रास रे मायने कोई भी वर्ण या वर्ण रो समूह कितनी बार आवे तीन या उनसू गणी बार बढ़ती जे बटे वृत्यानुप्रास। दाखलो देखो चारिये वाणिये खाणिये चार वदे जग जीव विचार विचार लहे नहीं पार कहूं लवलेस आदेश 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 आदेश। कितनी बार आयो चार बार आयो चारी चार एक बार वाणिये खाणिये चार दो बार विचार विचार में चार छिपियोड़ो है लहे नहीं पार कहूं लवलेस आदेश आदेश वो भी चार बार आयोड़ो और चार भी चार बार आयोड़ो है। तो अटे वृत्यानुप्रास ध्यान रख जो वर्ण या वर्ण रो समूह तीन या उनसू गणी बार आवे। अटे देखो तीन ज्यादा बार आयोड़ो चार बार भी तीन बार वे तो भी वृत्यानुप्रास है।
नमो ओम रूप नमो ओंकार नमो अजरामर सेंस अधार नमो अवतार सकाज अधीश नमो जगताज नमो जगदीश। एक नमो, दो, तीन, तीन बार तो आएगो, पांच, चार, छह बार आयो कि तो बढ़िया उदाहरण है वृत्यानुप्रास। पहला दाखला में ऊपरली दो जोड़िया में छेक अनुप्रास और नीचे वृत्यानुप्रास रो वर्णाव होयो है। अगलो है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यन नाम सु विदित है, जटे उच्चारण छोड़ रू मैं तो है एक छोड़ सू उच्चारित वर्णारी आवृत्ति होन सू श्रुत्यानुप्रास अलंकार वे। एक ही ठोड़ सू उच्चारित होने वाला जका वर्ण है बेणी आवृत्ति, आवृत्ति रू मतलब वापस घूम फेरन आनो बटे श्रुत्यानुप्रास। ध्यान रख जो एक ही ठोड़ू उच्चारित होने वाला वर्ण, एक ठोड़ री बात कर रहा है। नमो वर्षीत त्रिभुवन वंद नमो मधु कीटब जीत मुखंद नमो विद लादन मेटन व्याद सराप भसम उतारण शाद त द ध ते वर्ण री आवृत्ति। इन पद में ऊपर ली ओली छेक अनुप्रास है, पूरा पद में नमोरी आवर्ती वर्त्यानुप्रास और एक ही उच्चारण छोड़ वाला कई वर्णारी आवर्ति होन सु श्रुत्यानुप्रास है। यह सगड़ा वर्ण अंतस अल्पप्राण है जिना रे उच्चारण सु सांस रो प्रमाण सामान्य रहे। त द ध रो उच्चारण करती टेम जीव दाता ने कहीं कर जावे, परस कर जावे, स्पर्श कर जावे। त थ द बोलन देखो। अगलो है अंत्यानुप्रास। काव्य में शब्दा या चरणा रे आखिर में अंतिम दो सुरारी आवर्ती होने सु अंत्यानुप्रास अलंकार होवे। अनुप्रास रो भेद है अंत्यानुप्रास। देखो ध्यान दो, काव्य में शब्द या चरणा रे आखिर में अंतिम दो सुर, अंतिम दो सुर री आवर्ती पाचो आवणो होवण सु अंत्यानुप्रास होवे। इनमें बिचाड़े व्यंजन सेती सुरा री आवर्ती सु अर्थ है। दाखले स्वरूप देखो, नहीं तुम साधक तंत्र नहीं तुम जंत्र नहीं तुम मंत्र। आखिर में अंतिम दो सुर हो या देखो, नहीं तुम जंत्र नहीं तुम मंत्र। सुमेर न सैंस पहलोज सोज हुतोज 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 वो अंत्यानुप्रास उदाहरण है। लाटानुप्रास अनुप्रास अगलो भेद ला। काव्य में कोई शब्द दो या दो सू घनी बार आवे और हरेक बार अर्थ तो एक पण अन्वय बदल जावे। हरेक बार अर्थ तो एक वे पर उंड चुको अन्वय है वो बदल जावे। की कर देखो आप बट लाटानुप्रास वे त्रिविध त्रिजग त्रिविक्रम तार चतुर्भुज आत्म चेतन सार। त्रिविक्रम तीन लोक रो स्वामी, त्रिजग तीन लोग वो सुरलोक भूलोक पाताल लोक तीन लोग। त्रिविध ताप देहिक देविक और भौतिक, सुरलोक रो भूलोक रो और पाताल लोक रो। इन भांत अटे लाटानुप्रास अलंकार है। तीन लोग रो स्वामी और तीन लोग रो नाम भी आएगो। ध्वन्यानुप्रास जिन शब्दों से एक जड़ी ध्वनि निकले वहां की आवृत्ति होवे। एक जड़ी ध्वनि वाला वर्ण शब्द आवर्ती वे उठे अथवा एक दो ही ध्वनिया रो आप रे आपस में संबंध बताए जावे। एक रे साथ दूजी ध्वनिया जुड़ी उड़ी वे जू एक रे साथ दूजी एक जड़ी ध्वनि पड़े पड़े बूंदा पड़े धड़ धड़ धर आज। देखो ध्वनिया एक जड़ी है कौन पड़े धड़ धड़ तो इन वास्ते अटे ध्वनियानुप्रास। बूंदारी ध्वनि रे साथ धरती माते होने वाली ध्वनि रो जोड़ बैठे। दूजा अर्थ में अंत्यानुप्रास वाले दाखले में ही एक जड़ी ध्वनि वाला शब्द है पर एक रो संबंध दूजे साथे इन बात है कि आप ही हाँ आप ही हो और आप ही रे बोला। यमक अलंकार की बात करा वो भी एक शब्द अलंकार है।
भरत मुनि एणो चमत्कार भी शब्दार मायने छे। भरत मुनि कहते कि यमक शब्दारो अभ्यास है, एक शब्द दो या दो सू घनी बार आवे, एक शब्द है जो को एक सू घनी बार आवे और हरेक बार जो को शब्द आवे गुण रो अर्थ कहीं वे दूजो वे तो बटे किसो अलंकार मानी जे यमक अलंकार। एक शब्द एक सू घनी बार आवे और हरेक बार अर्थ वे जो को अलग वे बटे यमक अलंकार। कई बार पूरो शब्द नहीं आए ने उन रुक की भाग दूजी बार आवे तो ही उठे यमक अलंकार। एक शब्द पूरो शब्द भी नहीं आए दूर नो भाग भी आवे तो भी। आचार्य भरत मुनि यमक रा 10 भेद बताया, किता 10 भेद बतावे जी का इन बात है। पादांत कांची समद समुदक विक्रांत चक्रवाल संदृष्ट आम्रदित चतुर्थ वसित माला आदि यमक रो दाखलो आप देखो। हरिरस हरिरस हेक है, अनरस अनरस आण विण हरिरस हरि भक्ति विण जन्म वृथाकण हरिरस। ओ तो है ईश्वरदास जी रचियोड़ो ग्रंथ हरिरस भगवान हरिभक्ति। अनरस सांसारिक मुख माया, अनरस बिना रस रो रस विहूणो, हर बार अर्थ अलग है इन वास्ते अटे यमक अलंकार। इन चंद में हरिरस ईश्वरदास बारह रचित काव्य जद के हरिरस पर्व भक्ति सो मिलन वालो आनंद इनी भात अनरस संसार भौतिक सुख या भोग तो अनरस बिना सार रो सारहीन एड़ो। इन भात एक शब्द दो बाय प्रयोग और अर्थ न्यारा होने के कारण अट यमक अलंकार है। रण कर रज रज ने रंगे, रवि ढके रज हूत, रज जेती धर न दिए रज रज वे रजपूत। देखो वो भी एक यमक रो उदाहरण है। एक तो और रज है, एक और रज है और रज है। इनमें अंक रज माटी रो कण कण मतलब पूरी धरती ने रंगणो है, तो दूजे रज रो मतलब है खे पगा सू उड़ने ऊपर चढ़न वाली धूड़ या खंक। तीजो शब्द रज रज रो अर्थ वे कि क्षत्रिय आपरो शरीर टुकड़ा टुकड़ा बोटी बोटी करावे। रजपूत धरती रो सपूत या माटी रो सपूत इनमें यमक अलंकार रो नामी प्रयोग हुयो है। उपमा अलंकार वो एक अर्थालंकार है। आचार्य भाम उपमा अलंकार वास्ते लिखे इनरो जो को चमत्कार है वो अर्थ में है शब्द में नहीं। भाम कहीं लिखे के विरुदेनु माने देश काल क्रियादि भी उपमेश यत साभ्य गुणलेषण शोपमा। अर्थात कई बार देश काल क्रिया रे आधार माते विरुद्ध उपमान सू उपमेय दी समानता दी के वही जो उपमा अलंकार है। पण जटे की उपमेय उपमान सू उपमेय दी समानता दी के बटे पण जटे की सैनरूप यानी साक्षात हामी सांप्रतिक दिखे उठे उपमा अलंकार होवे। इन रा वे 21 भेद बताया पर मोटे रूप सू कई विद्वान इन रा दो भेद बतावे, एक तो पूर्ण उपमा और एक लुप्त उपमा। और कई विद्वान इन रा तीन भेद बतावे, एक तो पूर्णोपमा लुप्तोपमा और मालोपमा। अबे बात करा ए तीनों री बात करा ला। उपमा रा ए लक्षण है कि दो वस्तुओं में बरोबरी री बात करी, दो वस्तुओं ने बरोबर समझे। एक प्रसिद्ध वस्तु है और उन्हें बरोबर दूसरी ने भी समझे, दोनों में एक जड़ा गुणा रे कारण एक ने दूजे री कहीं दीजे उपमा। दोनों में एक जड़ा गुणा रे कारण एक जकी मुख्य चीज है उन्हें दूजो डेरी उपमा दीजिए। उपमा में समानतारो और सामान्य गुण धर्म मान्यो जावे। समानतारो सामान्य गुण धर्म अब उपमेय उपमेन उपमान वाचक जका है शब्द है और तीनों भाग देखो। उपमेय किन कहवे जिन सू किणी वस्तु री समानता बताई जे, जिन सू किणी वस्तु री समानता बताई जे वो कहीं वे उपमेय। और उपमान की हुए कोई खास वस्तु जिन रे बराबर उपमेय ने बतायो जावे, कोई अड़ी खास वस्तु जिन रे बराबर किने बतायो जावे उपमेय ने जके री जिन सू किणी वस्तु री समानता बताई जे। वाचक शब्द किया हुए उपमेय और उपमान में बराबर ही बताने वालों शब्द वाचक है। उपमेय और उपमान में बराबर ही बताने वालों जो कुछ शब्द है वो साधारण धर्म कहीं वह गुण या क्रिया वह गुण
या काम जिका उपमेय रूपमान दोनों में दिखे जिनसु उपमा दीरी ने तुलना करी। जब पे मोटे रूप को देखा पूर्ण उपमा में उपमेय उपमान वाचक शब्द और गुण धर्म सगड़ा रो मेल होवे वो पूर्ण उपमा। वेली किशन रुक्मणी री में पूर्ण उपमा रा कई कई दाखला मिले। आपसी आपरी निकेवली उपमा में साथे काव्य ने सर्जीवन करण वाला प्रयोग देखी जे संग सखी कुल वेश समाणी ते की कली पद्मणी परी राजती राजकुंवरी राई अंगण उड़ियन वीरज अंब हरी। इनमें सखियाँ तारामंडल आबो और चंद्रमा आदि एक वातावरण की सृष्टि है। पद्मिनी री बात करता ही पूरो सरोवर रो चित्रम सामी आई जावे। रुक्मणी रे मुख ने चंद्रमा री उपमा रे साथे कवि आवगी दशाओ ने सांप्रत्य की ज सामी लावे। अगलो भेद देखो अब देखा लुप्तोपा इन अलंकार में जड़ो के नाम सुठा लागे के उपमेय उपमान वाचक शब्द और साधारण गुण धर्म माई सु कटे एक दो या तीन रो लोप जब इन वास्ते तो वो लुप्तोपमा है लुप्त रहे उनारो लेख नहीं होवे उठे लुप्तोपमा अलंकार होवे। हंस चलन कदली जंग चाल कैडी हंस जेडी जांगा कदली कटी कमर सिंग रे जेडी जीण खीण मुख चंद्रमा रे जेड़ो खंजर रे जेड़ा नयन है कूच श्रीपल और कंठ है जगह कैडा वीणा रे समान मीठा है लुप्तोपमा। इन मायने की कर लुप्तोपमा है अटे हंस उपमान है चाल उन जगह साधारण धर्म क्रिया है कदली उपमान है जंग भी उपमेय है मुख शीश हर में मुख उपमेय है शीश हर कहीं है चंद्रमा कहीं है उपमान है और मुख कहीं है उपमेय है। हंस उपमान है तो चाल है जो कि कहीं है साधारण क्रिया कदली उपमान है और तो कदली जंग उपमेय है जांगा जंग पैर। पण पूरा वर्णाव में वाचक शब्द गुण धर्म रो लोप होवण सु लुप्त उपमा है। पूरा वर्णाव में वाचक शब्द अठे रुक्मणी रो कठे उल्लेख की नहीं है नाम नहीं है किन्नो किन्नी चाल हंस जड़ी है और किन्नी वाणी है जिकी वीणा रे जड़ी मीठी है किन्नी कमर शिंगरी बाती है नाम कठे नहीं है रुक्मणी रो नाम नहीं है। इन वास्ते अटे किसो अलंकार है लुपमो। आ उपमा किन रे वास्ते है खुलासो नहीं ओणसू अटे कौन सो उपमा रो भेद है लुप्त उपमा। अगलो देखो मालोपमा उपमेय रा वर्णाओ में जटे एक सु घना उपमान ने परोटीजे उनमें उपमेय जिनने उपमा दी जावणी वाली है उपमेय जिनने जैसे चंद्रमा रे मुख एक सुंदर स्त्री रे मुख रो वर्णाव करे तो वह सुंदर स्त्री उपमेय है जो चंद्रमा का ही है उपमा। तो उपमेय रो इदकारो और आकर्षण बदे वा मालोपमा है। एक सु ज्यादा गति गंगा मति सरस्वती सीता शील स्वभाव देखो सरस्वती गंगा महिला सर्वर मावी अवरण दूजी का। इनमें मारवणी रे वास्ते गंगा जेड़ी गति सरस्वती रे जेड़ी मति और सीता रे समान शील स्वभाव रो वर्णाव करियो जो है। इता उपमान लागण सु किसो उपमा रो भेद को मालोपमा। आपे बात करा रूपक अलंकार री ओ एक अर्थ अलंकार इन रे चमत्कार भी अर्थमय है। आचार्य भरत मुनि इन रे वास्ते कहवे के जद वो दो वस्तुओं री तुलना नी करी जने की खास गुणा रे कारण उपमेय और उपमान खास गुण है जका रे कारण उपमेय और उपमान में कई भेद नी राखने एक दूजे माते अभेद आरोप करियो जावे आरोपित करियो जावे। सरल शब्दा में वो है कि जटे एक वस्तु ने दूजी रो रूप दे दियो जावे कि वो वोइच है समान नहीं वोइच है दूजी मान लेवा तद रूपक अलंकार वे। अपे उपमा में पड़ी कि उन्हें समान उन्हें बरोबर उन जेड़ो
पर इन रूपक रमाई ने वो ही मान लियो जाओ जो कि वह मुख्य वस्तु है, यानी उपमेय और उपमान रमाई ने की भेद नहीं रखे। रूपक अलंकार रही तीन भेद बताया जावे, रूपक अलंकार रखी तब भेद तीन, एक तो सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक, रूपक अलंकार रखी। अब उनमें कहीं कहीं वह देख ला आप, मुक शीस हर ओ अभेद रूपक है, इनमें मुक ने पूरे निश्चय साथे शीस हर चंद्रमा के इन्हें अभेद रीत अर्पणा की। मुक कहीं है शीस हर, मुक चंद्रमा, रूपक रो दाखलो देखो, वद्या तनी सर्वरी वेश वदंती, जोबन तणो तणो जल जोर, कामणी करग सू बाण कामरा, दोर सू वरण तणा किमी डोर। प्रकृति सू रुक्मणी रे जोबन रो रूपक श्रवण जोग है, चंद्रमा ने देख ने सागर में तो ज्वार आवेज है, उन्हीं ज स्वाभाविक रूप सू जोबन काल में अंग प्रत्यंगारो उबरनो अर उन रे पेटे आकर्षण होनो लाजमी है। सांग रूपक, रूपक रो भेद पहलो सांग रूपक बात करा, उपमेय माते उपमान रा अंगा समेत आरोप सांग रूपक। उपमेय माते जो को उपमान है उनरे अंगा सहित आरोप कर दियो जावे वो सांग रूपक है, यानी उन्हें वोइच बता दियो जावे कि वो वोइच है। वीर काव्या में सूर वीरा रा लूटा करतबा रो रूपक श्रवण जोग है, कि घोड़ा घर ढाला पटल भाला थंब बनाई, जे ठाकुर भोगे जमी और किसो अपनाई, पग पग थटिया पौना खागा सहणी खांत, पीव परुसे पांत में भूले कैं दुभांत। देखो इनमें सांग रूपक में कई बातें बती, देखो घोड़ा और भाला बाबत, देखो राजस्थानी वीर संस्कृति में घोड़ा रूपी घर ढाल रूपी छात, ढाल रूपी ढाल है जकी छात है और घोड़ा है जकई घर है, बनौन वालो ही धरती रो वर्ण करण जोग है, जटे दुश्मिया शत्रु सेना ने पाऊना कहीजे, खाग रे जाट री मनवार करीजे, एड़ा सांग रूपक रा दाखला और कटी नी ला दे। निरंग रूपक, इन रूपक अलंकार में उपमान रो उपमेय माते आरोपण करियो जावे, दूजा अंगारी बात नहीं करजे, केवल आरोपण ही करियो जावे, दूसरा अंगारी बात नहीं। सकिए उगट मांझी खिजमती करे अंत, मारू तन मंडप रचियो मिलन सुहावा कंत। अटे तन में मंडप रो आरोपण है, तन में तन मंडप, ध्यान दीजिए बेटा, तन मंडप, ओ तन में मंडप रो आरोपण है, दूजा अंग सहायक कोनी इन वास्ते निरंग रूपक है। पूर्व तनिच परंपरित रूपक, इन में दो ही रूपक होवे, एक रूपक रो कारण दूजा रूपक में देखी जे, दो ही रूपक वे एक रूपक रो कारण दूजे रूपक रे मायने देखी जे, पंती एक संदेश रो लग ढोले पहचाई, धन कमलाणी कमदनी शीश हर उगे। देखो अठे मारवाणी रा संदेश में वाह कहवे के थारी धन विजोग में कुमुदनी जू, पंती एक संदेश रो धन 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 यानी पत्नी कमलाणी कुमड़ही जिगी कमुदनी जू, या धन कमलाणी धन कुमोदनी कमलाई जिगी शीश हर उगे आई, और चंद्रमा आन उग जावे जू, हे ढोला तू चंद्रमा जू आई ने उदयमान वे साथ, ते चंद्रमा शीश हर उग्या सु कुमुदनी खिलेला, इन रूपक माते दूजो रूप आरोपित होवन सु परंपरित रूपक बने। तादरूप्य रूपक, उपमेय ने उपमान रो दूजो रूप केवण सु अटे तादरूप्य रूपक अलंकार कहे छे, उपमेय ने उपमान रो, उपमेय ने उपमान रो दूजो रूप कह देवे, जके री जको मुख्य है बुने वो जो गौण है उनो बराबर कह देवे। चंद्रिका सू झरत मधु ताप सेंग हर लेत, प्राण वाली मुख बीजो चांद, बीजो चांद देखो रात दिवस सुख देत।
वाली रो मुख बीजो चांद होवन के कारण, क्योंकि एक चांद तो है। इन वास्ते अठे तद्रूपीय रूपक अलंकार होवेला। रूपक का भेद अठे दियोड़ा है, अभेद रूपक, तद्रूपीय रूपक, सांग रूपक, परंपरित रूपक और निरंग रूपक। ए रूपक रा भेद इन तरीके छंद अलंकार रो अध्याय नंबर 18 रो 2 नंबर भाग पूरो हुयो। नमस्कार।